योगी आदित्यनाथ के नए शासनादेश के बाद अब जितने भी आला अधिकारी हैं उनको 9 से 11 बजे तक जन सुनवाई करनी होगी, जनता दरबार लगानी होगी। हमारे साथ एसएसपी लखनऊ मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। दीपक कुमार जी, कितना फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों की नौकरी जो है वो 24 आवर की होती है। देखिए, जो हम लोगों की सर्विस है पुलिस मैनुअल की, उसके हिसाब से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी जो है वो 24 घंटे की है। और पुलिस एक इमरजेंसी सर्विस है, आप लोग जानते भी हैं कि हमारा जो थाना है पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहता है और कोई न कोई पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद रहता है। और ये जो शासनादेश है निश्चित रूप से इससे आवाम को फ़ायदा होगा और इसके ऑब्जेक्टिव पर जाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमारा ये नहीं कि हम 2 ही घंटा 9 से 11 ही बैठेंगे, हम इससे ज़्यादा भी आदमी को 12 बजे 1 बजे तक, जब तक कि शिकायत करता है और उसकी परेशानी को हम दूर नहीं कर लें तब तक हम लोग ऑफिस में बैठेंगे। लेकिन चूंकि पुलिस की फील्ड की नौकरी है, उसमें औचक निरीक्षण, लॉ एंड ऑर्डर, अन्य चीज़ों को देखना होता है, जनसंवाद के अनेक कार्यक्रम होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ संभव नहीं है कि लगातार बैठा जा सके। लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो यही है कि आम जनता को राहत मिले और निश्चित रूप से यह एक सराहनीय कदम है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से शासनादेश का जो मूल मंत्र है वो कोशिश यही है कि जनता तक जो पुलिस की या फिर सरकारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचें, उसको लेकर के कोशिश की जा रही है। यही कहना एसएसपी लखनऊ का भी है। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सरकारी सुविधाओं का लाभ मिले। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ विक्रम मिश्रा, APN लखनऊ।